कोलिजन में एक कंसेप्ट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जो भी हमने अभी जस्ट दो तीन क्लास पहले ही पढ़ रहा था क्या, कि मोमेंटम कब कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम कब होता है। तो एक तरीके से ये जो कोलिजन है ना, ये एक तरीके से एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे कैसे यूज होता है वो कंसेप्ट हम देखेंगे। अब देखो होता क्या है ना कि दो बॉडीज है, दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, कोलिजन के चलते क्या क्या चेंजेज होते हैं दोनों बॉडीज के मोशन में, उनके वेलोसिटी में, मे बी उनके एक्सेलेरेशन में किस तरीके की चेंजेज होगी उसकी बात करेंगे। ठीक है, और कोलिजन से एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मोमेंटम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक चीज है, क्या कोलिजन के लिए फिजिकल कॉन्टेक्ट होना जरूरी है? दो पार्टिकल अगर कोलाइड कर रहे हैं तो क्या उनका फिजिकल कॉन्टेक्ट होना जरूरी है? हाँ सर। जी सर। हाँ सर। बिना फिजिकल कॉन्टेक्ट का कोलिजन नहीं हो सकता, बोलो। बिना फिजिकल कॉन्टेक्ट का कोलिजन पॉसिबल है कि नहीं सर? कोलिजन नहीं होगा सर। देखो एक कंसेप्ट है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो दिस इज योर चार्ज पार्टिकल वन क्यू वन एंड दिस इज योर क्यू टू विच इज मूविंग टुवर्ड्स, ये फिक्स है तुम्हारा। देखो यहाँ क्या होगा ना, ये पार्टिकल या फिक्स नहीं, अभी इसको ऐसे ही रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है और ये मूव कर रहा है इसकी तरफ। क्या इसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए या इसको मोशन में लाने के लिए ये इससे टकराना जरूरी है, फिजिकल कॉन्टेक्ट होना जरूरी है? नहीं सर। है ना, तो ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोलिजन के लिए फिजिकल कॉन्टेक्ट होना भी होना जरूरी है। कभी कभी जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन होते हैं ना, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें कोलिजन का कंसेप्ट लगता है। क्यों क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर ये मूव कर रहा है इसकी तरफ, देखो ये इसको अप्रोच कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है, कुछ देर बाद क्या होगा, ये जाएगा इसके पास और इसका भी मोशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद दोनों सेपरेट करने लगेंगे। और यही चीज हम कोलिजन में भी पढ़ेंगे कि एक बॉल दूसरे बॉल को अप्रोच कर रहा है, कोलाइड किया, फिर दोनों सेपरेट होने लगे। तो यानी कोलिजन के लिए जरूरी नहीं है क्या है कि फिजिकल कॉन्टेक्ट ही होना चाहिए। जैसे चार्ज पार्टिकल है, उनका कोलिजन क्या होता है, बिना फिजिकल कॉन्टेक्ट के भी हो सकता है, वहां पे हम कोलिजन का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, आ गया समझ में? ठीक है, अब देखो कोलिजन के टाइम में होता क्या है, जैसे कोलिजन को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, जो भी तुम्हारा कोलिजन है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करा है, तीन पार्ट में डिवाइड करा है। ये चल रहा है U1 से, अभी लिखना कुछ नहीं है, बस समझना U2 से। इसको बोलते हैं बिफोर कोलिजन। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? बिफोर कोलिजन का कंडीशन बोलेंगे, अभी कुछ मत लिखना। इसको बोलते हैं ड्यूरिंग कोलिजन। और इसको क्या बोलेंगे? आफ्टर कोलिजन। ये तीन टाइम होता है। अब इसमें क्या होता है, बिफोर कोलिजन में क्या हुआ है, बिफोर कोलिजन में पार्टिकल दोनों जो बॉडीज है वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रही, ये अपना इंडिपेंडेंट चल रहा था, ये अपना इंडिपेंडेंट चल रहा था। अगर इन दोनों को कोलाइड करना है तो E1 मस्ट बी ग्रेटर देन E2। अगर इन दोनों को देखो, अगर इनको कोलाइड करना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, ये तेज चलेगा तभी जाकर के इससे टकराएगा। अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, ड्यूरिंग कोलिजन ये दोनों बॉडीज इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, और वो जो फोर्स होता है ना वो इम्पल्सिव फोर्स होता है। जब ये जाकर के इससे कोलाइड करेगा तो जो इंटरेक्शन टाइम होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इंटरेक्शन टाइम क्या होगा, बहुत कम होगा। और मैंने बताया था कि अगर इंटरेक्शन टाइम कम हो तो जो फोर्स वहां पे इंट्रोड्यूस होता है, दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट, इंपल्सिव फोर्स, जिसकी वैल्यू बहुत ही बड़ी होती है। आ रही बात समझ में? तो ड्यूरिंग कोलिजन हमें क्या मिलेगा, इंपल्सिव फोर्स मिलेगा, इंपल्सिव फोर्स मिलेगा। और ये जो वैल्यू है इंपल्सिव फोर्स का वो बहुत ही बड़ा होगा, इंपल्सिव फोर्स का जो वैल्यू होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो बाकी सारे फोर्सेस जो है, बाकी सारे फोर्सेस ड्यूरिंग कोलिजन हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ओनली इंपल्सिव फोर्सेस। और इसकी वैल्यू बड़ी, बहुत बड़ी है, जिसके चलते हम सराउंडिंग के चलते जो फोर्सेस आ रहे हैं, या फ्रिक्शन आ रहा है या एयर रेसिस्टेंस आ रहा है, वो सारी चीजें हम आराम से नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फोर्स होगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया? और साथ ही साथ इंपल्सिव फोर्स क्या होगा, अगर इस ब्लॉक पे देखोगे तो ये इस पे फोर्स लगेगा F इधर की तरफ, और इस पे फोर्स लगेगा F इधर की तरफ, फॉलोइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। जितना फोर्स ये पार्टिकल इस पे लगाएगा वही पार्टिकल इस पे भी लगाएगा। और अगर इन दोनों को सिस्टम कंसीडर कर लोगे
तो एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर दोनों को सिस्टम कंसीडर कर लेंगे तो एफ नेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। मतलब पार्टिकल पे क्या, पार्टिकल पे क्या है 4-0, एफ नेट जीरो हो गया ड्यूरिंग कोलिजन, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स है दोनों बॉडीज पे। इंडिविजुअली देखोगे तो इंपल्सिव फोर्स लगेगा, लेकिन दोनों को एक साथ सिस्टम कंसीडर कर लेंगे तो बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा, मतलब जो सिस्टम है उस पे फोर्स नहीं लगेगा। उसके बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद फिर दोनों चलना शुरू कर देंगे, ये V1 से चलना शुरू कर देगा, ये V2 से चलना शुरू कर देगा, और यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा कि नाउ दे विल सेपरेट, तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1। इस सिचुएशन में क्या होगा, V2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, V1 की वैल्यू कम हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि अब ये आगे जाएगा, ये थोड़ा उसके पीछे पीछे तो सर वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे तो सर एक्शन रिएक्शन वाला जो भी मतलब फोर्स लगता था उस पे तो जीरो नहीं होता था सर फोर्स, नहीं इंडिविजुअल बॉडी पे जीरो नहीं होता, एक्शन रिएक्शन में जैसे मैंने ये जाकर के इससे टकराया, दोनों का इंटरेक्शन हुआ, तो ये जो बॉडी है ये इस पे फोर्स लगाया होगा, तो दूसरा बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा ना पीछे की तरफ, और ये आगे की तरफ इस पे फोर्स लगाया। तो अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो इंटरेक्शन के चलते फोर्स है, ठीक है। आप एक दोनों को एक साथ सिस्टम ले लोगे तो इससे फोर्स लग रहा है एफ टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, इससे फोर्स लग रहा है एफ टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, दोनों को एक साथ सिस्टम कंसीडर कर लेंगे तो ये फोर्सेस एक दूसरे को नेग्लेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। एक्शन रिएक्शन हमेशा दूसरे बॉडी पे होता है, अगर एक्शन जिस पे है तो रिएक्शन किसी और बॉडी पे लग रहा है, जैसे अगर इस पे एक्शन है तो रिएक्शन किस पे है, दूसरे बॉडी पे है। वो एक दूसरे को नलीफाई कब करेंगे, जब हम दोनों बॉडी को सिस्टम ले लेंगे, अगर इन बात करेंगे तो कभी एक्शन कैंसिल आउट नहीं होगा, वो दिखेगा तुमको, दूसरी बॉडी पे जाएंगे फिर उस पे रिएक्शन जो लग रहा होगा वो भी दिखेगा, लेकिन अगर दोनों को एक साथ बॉडी एक साथ सिस्टम कंसीडर कर लेंगे, इन दैट केस दिस रिएक्शन दिस इंपल्सिव फोर्स विल बिकम इंटरनल फोर्सेस, और इंटरनल फोर्स क्या करती है, एक दूसरे को नलीफाई कर देती है, बिकॉज दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, क्लियर है। इसलिए एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मैं क्या बता रहा था कि अब इसमें जब मोशन स्टार्ट होगा तो V2 तेज चलना शुरू कर देगा, V1 स्लो चलना शुरू कर देगा, क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन नहीं होगा तो वो फिर से कोलाइड कर जाएंगे, ऐसा होता नहीं है, एक बार टकरा गया फिर अपना मोशन स्टार्ट हुआ, बॉडी इंडिपेंडेंटली फिर से चलने लगती है। तो हमारा काम क्या होता है, ये जो ड्यूरेशन है यहाँ पे हमें बस इतना ही समझना होता है, ये जो पूरा मतलब ड्यूरिंग कोलिजन का जो कंसेप्ट है वहां से बस हमें एक ही कंसेप्ट लेना होता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम फोर्स इज लार्ज, इम्पल्सिव फोर्स इज वेरी लार्ज, और साथ ही साथ जब हम एक दूसरे को सिस्टम कंसिडर कर लेंगे तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, ठीक है। और जैसे ही सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो आया, नेट फोर्स हमें जीरो दिखा, तो सबसे पहला चीज जो हमारे दिमाग में आएगा वो क्या आएगा कि लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। सारी बात समझ में, लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, मतलब इस इवेंट से पहले मतलब कोलिजन से पहले जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम था, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, क्यों, क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, इंडिविजुअली नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्या है, सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, तो बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी होगा, किसका, सिस्टम का, मतलब दोनों का, इसका जितना मोमेंटम है दोनों ब्लॉक का, पहले दोनों बॉल का कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम होगा, और दोनों ब्लॉक का या दोनों बॉल का जो कोलिजन के बाद का मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम जो होगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो लिखना in collision impact time is very small, so the impulsive force acting on colliding bodies is very high. So impulsive force acting on the colliding bodies is very high such that
अदर एक्सटर्नल फोर्सेस does that other external forces can be neglected and if all colliding bodies taken as a system, this impulsive force becomes action reaction pair which nullify each other and hence during collision, linear momentum of system of colliding particles, the colliding bodies. remains constant. Linear momentum before collision for the system is equal to linear momentum after collision. For the given system. ठीक है, हो गया। हाँ सर। चलो अब समझते हैं इससे आगे की बातें। अब देखो कभी भी कोलिजन हो रहा होगा, कहीं भी कोलिजन हो रहा होगा, किसी भी टाइप का कोलिजन हो रहा होगा, हम एक चीज आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा कंसेप्ट? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई भी सवाल हो कोलिजन का, एक इक्वेशन हमारे पास हमेशा होता है, ठीक है ना? कौन सा इक्वेशन होगा? वो द इक्वेशन विच इज कमिंग फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब भी कोलिजन का सवाल होना तुम्हारे पास, तो आंख बंद करके क्या लगा सकते हो? इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा सकते हो। क्लियर है? आ रही बात समझ में? सर अब देखो जो सवाल है ना, फोर जीरो नहीं होगा तो क्या? क्या हाँ क्या बोल रहे हो सर? नेट एक्सटर्नल फोर जीरो नहीं होगा तो? नेट एक्सटर्नल फोर जीरो कोलिजन के टाइम में हमेशा होगा। कोलिजन का अगर तुम्हें प्रॉब्लम दिया हुआ है, नेट एक्सटर्नल फोर्स हमेशा जीरो होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि जो भी तुम्हारा इंपल्सिव फोर्स होता है वो इतना ज्यादा हाई होता है कि बाकी जो छोटे मोटे फोर्स लग रहे होते हैं, फ्रिक्शन लग रहे होते हैं, एयर रेसिस्टेंस लग रहा होता है, ड्रैग लग रहा होता है, वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो फिर एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, आपने बोला कि अगर
वो इम्पल्स के टाइम अगर वेरी स्मॉल हो तो इम्पल्सिव फोर्स बड़ा होता है सर, ऐसा क्योंकि जो चेंज, अरे यार, जो भी तुम्हारा फोर्स होता है वो क्या होता है, डीपी बाई डी टी होता है। इफ दिस डी टी इज वेरी स्मॉल, मतलब अगर डी टी टेंस टू जीरो तो एफ टेंस टू इनफाइनाइट। अगर ये डी टी बहुत छोटा हो जाए, ये जीरो के बराबर ऑलमोस्ट हो जाए, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, अनडिफाइंड, बहुत ही लार्ज वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अगर टाइम इंटरवल जितना छोटा करोगे, जितना छोटा करोगे उसके चलते जो फोर्स आएगा वो इम्पल्सिव फोर्स आएगा, और बहुत ही टाइम इंटरवल छोटा हो गया, एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन 0.001 सेकेंड के लिए अगर बॉडी कॉन्टेक्ट में है, तो डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली कितना है, जीरो है, इतना आएगा फोर्स, बहुत ही बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, समझ में आ गया। और कोई डाउट किसी को, आगे बढ़े? हाँ चलो, अब समझते हैं क्या होता है कि कोलिजन होता है, कभी कभी एनर्जी कंजर्व रहता है, मतलब आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। जनरली यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, मोशन में होते हैं, तो हम जो एनर्जी की बात करते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब बॉडीज मूव करती है, चलती है, तो उनके पास क्या होता है, कोलिजन, जो मतलब जब कोलिजन हुआ रहता है सर, उस वक्त तो कुछ एनर्जी का चेंज होता होगा ना सर, दोनों बॉडीज के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अल्टीमेटली मे बी अगर कोलिजन उस टाइप का, कोलिजन का अलग अलग टाइप होता है, ठीक है, तो एनर्जी लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ड्यूरिंग कोलिजन। तो एनर्जी लॉस के बेसिस पे या एनर्जी के बेसिस पे हमने क्या करा है, कोलिजन को डिवाइड करा है, जिसको हम इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, ठीक। तो अगर कोलिजन इलास्टिक बताया होगा, यानी पहले जितना एनर्जी था सिस्टम के पास, कोलिजन के बाद भी उतना ही एनर्जी रहेगा। और अगर कोलिजन बता दिया सवाल में कि इनइलास्टिक कोलिजन है, तो पहले जो एनर्जी थी और बाद में जो एनर्जी होगी सिस्टम की, कोलिजन के बाद और पहले, वो एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि कोलिजन के टाइम में डिफॉर्मेशन के चलते क्या होता है, एनर्जी लॉस हो जाता है, जो बॉडी है वो डिफॉर्म होती है, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडीज टकराएंगी, उनका शेप चेंज होगा, डिफॉर्मेशन होगा, तो डिफॉर्मेशन के लिए ना एनर्जी यूज करना पड़ता है। जैसे अगर मैं इस पेन को तोड़ना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। वैसे अगर बॉडी कोलाइड कर रही है और उनका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, उनका शेप डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो उसके लिए कुछ एनर्जी यूज हो जाता है जो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा या बॉडी को वापस नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं लॉस इन एनर्जी। तो इसके चलते क्या होता है, पहले जो एनर्जी था और बाद में जो एनर्जी था, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस टाइप के कोलिजन को इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोलिजन को दो और हीट फॉर्मेशन की वजह से तो कुछ एनर्जी लॉस हो सकता है। क्या 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 हीट फॉर्मेशन की वजह से हीट कहाँ फॉर्म होगा, दोनों बॉडी जहाँ भी कोलिजन होगा तो उस टाइम ड्यूरेशन में तो हमें जो एनर्जी लॉस हुआ ना, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना एनर्जी लॉस हुआ, और उसकी वैल्यू मतलब क्या होगी, वो इजीली तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि ड्यूरिंग कोलिजन कितनी एनर्जी लॉस हुई है, वो आराम से हमें पता चलता है। पहले जो वेलोसिटी है वो पता कर लो, दो पार्टिकल की बाद में जो वेलोसिटी है वो पता कर लो, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, पता चल जाएगा कि एनर्जी लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। मोस्टली जो एनर्जी लॉस होता है That is due to deformation. Shape के चलते, shape में जो change होता है, उसके चलते ज्यादातर एनर्जी में लॉस दिखता है। हीट जो है, बाकी सारी साउंड जो है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है, वो सारी जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। इसलिए हम ज्यादातर बात किसका करते हैं कि डिफॉर्मेशन के चलते, शेप डिस्टॉर्शन के चलते जो एनर्जी लॉस हुआ उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो लिखना नेक्स्ट हेडिंग, हाँ बोलो सर। इलास्टिक सर, इलास्टिक कोलिजन में अगर ए और बी दो दो मास का अगर एम वन एम टू हो तो कोलिजन के बाद भी एम वन एम टू ही होगा इलास्टिक कोलिजन में। मास हमेशा कंजर्व रहता है, मास को कभी चेंज ही नहीं करते हैं। मास इज ऑलवेज कंजर्व, जो भी मास पहले होगा वो भी वही मास कोलिजन के बाद भी होगा, ठीक है। चलो लिखना, नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा टाइप ऑफ कोलिजन। टाइप ऑफ कोलिजन
इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस टाइप समझ लो। ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ कोलिजन, दो तरीके से हमने डिवाइड करा है। एक एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे, जहां पे क्या मिला, इलास्टिक कोलिजन मिला, इन इलास्टिक कोलिजन मिला। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ कोलिजन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LOC भी बोल लेते हैं। इसमें भी दो तरीके से डिवाइड हुआ, किसी को आइडिया है इसके बारे में कि लाइन के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड करा गया? हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक और हेड ऑन। हेड ऑन and number 2 is oblique collision. ठीक है, अब मे बी तुम्हारे पास हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, ऑब्लिक इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है। इन सारे का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, क्योंकि ये दो तरीका है किसके बेसिस पे, एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे जो इलास्टिक इनइलास्टिक बता रहा है, और लाइन ऑफ कोलिजन के बेसिस पे हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन है। तो हेड ऑन मे बी इलास्टिक मे बी इनइलास्टिक, ठीक है, यानी हेड ऑन के दो टाइप हो सकते हैं, कौन कौन से, इलास्टिक इनइलास्टिक। वैसे ही ऑब्लिक के भी कितने टाइप हो सकते हैं, एनर्जी के बेसिस पे इलास्टिक और इनइलास्टिक दो टाइप हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर बात करो तो जो भी तुम्हारा कोलिजन होगा वो कितने तरीके का हो सकता है, चार तरीके का। ये चार तरीके का कोलिजन है तुम्हारे पास। अब ये जो बेसिस है वो मैंने बता दिया, आप कब कोलिजन को हेड ऑन बोलेंगे, कब कोलिजन को ऑब्लिक बोलेंगे, कब कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक बोलेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस चीज के बारे में समझ लेंगे, लाइन ऑफ कोलिजन के बारे में। तो तुम्हारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा दैट विल बी लाइन ऑफ कोलिजन। क्या होता है लाइन ऑफ कोलिजन, किसी को कुछ पता, व्हाट इज लाइन ऑफ कोलिजन? बोलो, नहीं पता, नहीं सर, लाइन ऑफ कोलिजन नहीं पता। चलो समझाते हैं। देखो जब दो बॉडीज टकराएंगे, जैसे दो बॉल्ट जो टकरा रही हैं वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करती हैं। ये बॉल ले सकते हो, जैसे दो स्टोन बॉल है, ये दोनों चल रहा है, टकरा रहा है, जब कोलिजन होगा तो ये दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इस पॉइंट पे जो कॉमन नॉर्मल होगा ना, पॉइंट पे जो कॉमन नॉर्मल होगा उसी के अलोंग फोर्स काम करेगा, पॉइंट पे जो कॉमन नॉर्मल होगा उसी के अलोंग क्या होगा, फोर्स काम करेगा, रिएक्शन काम करेगा। तो ये जो लाइन है ना जो कॉमन नॉर्मल से पास होता है, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिजन। क्या बोलेंगे इसको, लाइन ऑफ कोलिजन बोलेंगे। जैसे ये तुम्हारा मान लो एक वेज शेप बॉडी था, इस पे तुमने क्या करा, एक गेंद को ड्रॉप करा, इस गेंद को क्या करा है, ड्रॉप करा। अगर गेंद को ड्रॉप करते हैं तो ये जा करके यहां से ऐसे टकराएगा, इन दैट केस व्हाट विल बी लाइन ऑफ कोलिजन। अगर ये बॉल यहां से ड्रॉप करा, जाकर के टकराया, तो लाइन ऑफ कोलिजन क्या होगा, लाइन ऑफ कोलिजन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। आ रही बात समझ में, लाइन ऑफ कोलिजन क्लियर हो गया कि व्हाट इज लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ कोलिजन ऐसे बोल सकते हो कि इट इज द कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन। जिस पॉइंट पे दोनों बॉडी कोलाइड कर रही है ना, वहां पे कॉमन टेंजेंट डालोगे सरफेस पे, दैट लाइन इज नोन एज व्हाट, लाइन ऑफ कोलिजन। क्लियर है अब? अब देखो, अभी यहां से जब देखोगे ना, ये बॉडी इधर चल रहा था, ये बॉडी इधर चल रहा था, इसको देखो अगर ध्यान से देखो तो ये बॉडी का वेलोसिटी u1, इसका वेलोसिटी u2, दोनों को अगर देखोगे ना तो ये इनका जो वेलोसिटी है इस लाइन के पैरेलल है या लाइन के अलोंग है। यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी u1, इसका वेलोसिटी u2, इस लाइन के पैरेलल है, दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल, इसके पैरेलल है या अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है। तो जब ऐसा कोई कोलिजन होता है ना जिसमें वेलोसिटीज ऑफ ऑल पार्टिकल, ऑल द बॉडीज कोलाइडिंग टू ईच अदर is along the line of collision, वैसे collision को हम क्या बोलेंगे, head on collision बोलते हैं।
ऐसे कोलिजन को क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन। दूसरा जो मैंने डायग्राम बनाया उसका देखो, इसमें जो बॉडी है ये किधर की तरफ गिर रहा था, नीचे की तरफ। इसमें जो बॉडी है किधर की तरफ का वर्टिकल डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, लेकिन जो लाइन ऑफ कोलिजन है वो किधर है, वो इस वेज ब्लॉक के इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो क्या इसका डायरेक्शन और इस लाइन के अलोंग है, बॉल का मोशन जो है क्या इस लाइन के अलोंग है, नहीं है। तो जब भी कोलाइडिंग बॉडीज का मोशन लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं होता है, वैसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। आ रही बात समझ में, कोई कंफ्यूजन किसी को? सर ऑब्लिक कोलिजन समझ में नहीं आया। और एक बार और समझा दे रहा हूँ, हेड ऑन समझ में आ गया ना? हाँ सर। चलो ऑब्लिक एक बार और समझते हैं। ये एक वेज था तुम्हारा, ये वेज है, इस वेज पे हम एक बॉल ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले बताओ बॉल का जो मोशन है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर, ये सॉरी वर्टिकल है, इधर की तरफ नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। हाँ सर। ये आकर के इससे टकराएगा, जो है बॉल जो आया नीचे आकर के इससे टकराया, ठीक है। तो जब टकराया हमें क्या पता करना होता है कि एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन लाइन ऑफ एक्शन किधर की तरफ है। लाइन ऑफ एक्शन होता क्या है, इट इज द कॉमन नॉर्मल ऑन द बोथ सर्फेसेस एट द कोलिजन पॉइंट। जहां पे कोलिजन हुआ, कोलिजन कहां पे हुआ, इस पॉइंट पे हुआ। तो हमें क्या चाहिए, कॉमन नॉर्मल चाहिए, क्योंकि दैट कॉमन नॉर्मल विल गिव यू लाइन ऑफ कोलिजन। तो लाइन ऑफ कोलिजन अगर देखोगे, दिस विल बी योर कॉमन नॉर्मल। ये समझ में आ रहा है, ये कॉमन नॉर्मल है, यानी दिस इज योर LOC, लाइन ऑफ कोलिजन। क्लियर है कि यही होगा, या किसी के दिमाग में कुछ और चल रहा है? तो भी दिमाग में चल रहा है, लाइन ऑफ कोलिजन के बारे में बता दो, क्या जो मैंने लाइन ऑफ कोलिजन ड्रॉ करा है वो सही है या गलत है? लाइन ऑफ कोलिजन होता क्या है, कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये कॉमन नॉर्मल है, लाइन ऑफ कोलिजन है तुम्हारा। अब डिसाइड कैसे करते हैं कि हेड ऑन कोलिजन है या ऑब्लिक कोलिजन है, वो डिसाइड करने के लिए हम पार्टिकल का वेलोसिटीज देखते हैं, मतलब जो भी कोलाइडिंग बॉडीज है उनका वेलोसिटी देखते हैं। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है या पैरेलल टू द लाइन ऑफ कोलिजन है, तो वैसे मोशन को हम हेड ऑन बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर कुछ एंगल पे है वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन से, अगर कुछ एंगल पे है, तो ऐसे मोशन को, ऐसे कोलिजन को हम ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। अब समझना कैसे, ये जो है लाइन ऑफ कोलिजन है, तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो किधर है, नीचे की तरफ है। तो इसमें एंगल बनना कितना, लेट इट बी थीटा। इन दैट केस लाइन ऑफ एक्शन और जो पार्टिकल का वेलोसिटी वो क्या है, एंगल पे है, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। सर हेड ऑन कोलिजन वो स्ट्रेट लाइन होगा? हेड ऑन कोलिजन में स्ट्रेट लाइन क्या होगा सर, उसका जो कोलिजन होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, उसमें एंगल नहीं बनेगा कोई भी? नहीं, हेड ऑन कोलिजन में पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चलती है, जो भी कोलाइडिंग बॉडी है वो क्या करेंगी, स्ट्रेट लाइन पे चलेंगी, अपने पाथ को डेविएट नहीं करेंगी, ठीक है। मतलब अगर सारी बॉडीज राइट साइड में जा रही है कोलिजन के पहले, तो आफ्टर कोलिजन के बाद भी वो राइट साइड में चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा था, टकराने के बाद वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब ये टकराएगा ना तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग वेलोसिटी नहीं है, टकराया डिफ्लेक्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में सर? कोई कंफ्यूजन तो लाइन ऑफ कोलिजन के लिए लिख लो, अभी तक कुछ नहीं लिखना था, अभी बस समझना था। ये सारी चीजें किसके लिए थी, समझने के लिए थे, क्योंकि ज्यादा जो कंसेप्ट है कुछ रटना उठना नहीं होता यहाँ पे, फॉर्मूला बच्चे रटते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ फॉर्मूला मत रटो, क्योंकि ये चीज ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे जो है दो लॉ आते हैं, दो लॉ के, उस दो लॉ को यूज करके तुम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कोलिजन का। बस तुम्हें पता करना होता है कि कोलिजन जो गिवन सवाल में दिया हुआ है वो किस टाइप का है। अगर टाइप समझ में आ गया, लॉ अप्लाई करेंगे, सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ ज्यादा उसमें परेशानी नहीं होती है। समझ में आ गया? तो लिखना लाइन ऑफ कोलिजन, इसमें लिख लो इसका डेफिनेशन, इट इज द कॉमन नॉर्मल, इट इज द कॉमन नॉर्मल ऑन द कोलाइडिंग सर्फेसेस at the point of collision of
ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज. एक और बार रिपीट करेंगे. इट इज द कॉमन नॉर्मल. इट इज द कॉमन नॉर्मल. या फिर मैं बोलूंगा तो कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा. बस अगर कोई डेफिनेशन ऑन द कोलाइडिंग सरफेस जिसने लिख लिया वो रिपीट कर दो एक बार. इट इज द कॉमन नॉर्मल ऑन द कोलाइडिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज. ओके सर. हो गया. चलो नेक्स्ट लिखेंगे लॉज यूज इन कोलिजन. लॉज यूज इन कोलिजन. हाँ बोलो सर. वो ऑब्लिक कोलिजन एंड हेड ऑन कोलिजन का कोई डेफिनेशन लिखा दे. डेफिनेशन लिखाएंगे लिखाएंगे. अभी ना तो तुमको इलास्टिक का डेफिनेशन लिखाया है, ना तो तुमको इनइलास्टिक का लिखाया है, ना तो हेड ऑन ना तो ऑब्लिक किसी का डेफिनेशन नहीं है. वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. जहां डिस्कस करेंगे वहां पे डेफिनेशन तुमको आ जाएगा. ठीक है. अभी समझ में आ गया ना. डेफिनेशन तो यार खुद से बना सकते हो. लॉज जो जो लॉज यूज होते हैं उसकी हम बात करेंगे. कोलिजन में क्या होगा तो मैंने बोला है कि सबसे पहला जो लॉ आग बंद करके हम यूज करेंगे वो क्या है. लॉज ऑफ कोलिजन. लॉज ऑफ कंजर्वेशन. लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसका लॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ थोड़ा प्रिसाइजली लीनियर मोमेंटम लिख सकते हो. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है. मतलब अगर दो बॉडी है, ये ई वन से चल रहा था, ई टू से चल रहा था बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन वी वन से चल रहा, ये वी टू से चल रहा. इसका मास एम वन, इसका मास एम टू, इसका मास एम वन और इसका मास एम टू. मैंने वो बीच वाला जो डायग्राम है ड्यूरिंग कोलिजन वाला नहीं ड्रॉ करा. ये बिफोर का सिनेरियो है, ये आफ्टर का सिनेरियो है. ठीक है सर. ये ड्रॉ करो. हाँ ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करना है. अब मोमेंटम कंजर्व क्यों होता है वो एक्सप्लेन कर दिया. अब फिर ऐसा नहीं कि भूल जाना और आके बोलना सर क्यों मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं. वो मैं पहले ही बता चुका और उसके बारे में लिखा दिया. ड्रॉ कर लो जल्दी से. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला लॉज ऑफ कंजर्वेशन में क्या होगा. जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में होगा. तो अगर पहले के मोमेंटम की बात करो जिसको मैं पी आई बोल रहा हूँ, इट विल बी एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू. और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर वेक्टर साइन लगा सकते हैं. मोमेंटम क्या है तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी है ये पहले का मोमेंटम. अगर बाद में बात करो पी एफ पी फाइनल, ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच पी टू पी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू. अब ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम तुम्हारा कंजर्व है. तो यहां से एक इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगा आराम से. कौन सा इक्वेशन. बराबर किसके होगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू के. ये इक्वेशन मिलेगा. ठीक है. अब इस इक्वेशन में अगर तुमको एक अननोन है, ये जो इक्वेशन है अगर इसमें एक अननोन है तो इसी से काम बन जाएगा. क्योंकि एक अननोन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कितना इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए. ठीक है. तो जो गिवन क्वेश्चन है, मान लो अगर उसमें एक ही अननोन है, वही तुमसे पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज फाइंड दिस थिंग. तो अगर वही अननोन है और तुमने इक्वेशन लिखा कौन सा, मोमेंटम कंजर्वेशन का,
और डायरेक्ट अगर इससे आंसर आ गया तो तुम्हें आगे देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। लेकिन अगर इक्वेशन में दो अननोन हो गया, मान लो तुम्हें V1 और V2 दोनों निकालने हैं, U1 U2 दिया हुआ है, मासेस दिया हुआ है, पूछ रहा है बताओ आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी होगी कोलाइडिंग बॉडीज की, ठीक है। तो यहाँ पे दो अननोन है और दो अननोन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कितना इक्वेशन चाहिए, कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। तो ये एक इक्वेशन तो रखा हुआ, ये तो कहीं नहीं जा रहा है, हमें दूसरे इक्वेशन की जरूरत है। और दूसरा इक्वेशन जो है वो दिया न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन ने कोलिजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जहां पे दो अननोन हो जाते हैं उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या दिया, दूसरा इक्वेशन हमें दिया जिसको बोलते हैं न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का नाम सुने हो, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का नाम सुने हो ना, तो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटल नहीं सुने हो, न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंटल लॉ दिया जो रिलेट करता है अप्रोच वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में कोलिजन के पहले बॉडीज एक दूसरे को क्या करती हैं, अप्रोच करती हैं, और कोलिजन के बाद में उन्होंने देखा कि बॉडी क्या कर रही है, सेपरेट हो रही है। तो ये जो सेपरेशन और अप्रोच वाला कंसेप्ट है उन्होंने अप्लाई करके देखा कि किस टाइप के सेपरेशन और अप्रोच का जो वेलोसिटी है उसका रेशियो कैसा है, ठीक है, ये सारी एक्सपेरिमेंटल है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा है और वहां से अपना एक लॉ बनाया है, ठीक है। और उस लॉ में एक टर्म उन्होंने, एक फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हो, एक फिजिकल टर्म या एक कांस्टेंट बोल सकते हो, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, दैट इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। और कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के हेल्प से तुम दूसरा इक्वेशन पता कर सकते हो, तुम दूसरा इक्वेशन बता सकते हो, और जैसे ही तुम्हें दूसरा इक्वेशन मिलेगा, इस इक्वेशन और उस दूसरे इक्वेशन के हेल्प से, अगर सवाल में दो अननोन है तो तुम पता कर सकते हो, क्लियर है। तो लिखना सेकेंड जो लॉ है दैट इज न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कोलिजन, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कोलिजन, या फिर इसको बोलते हैं इतना काम, लिखना दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ विच रिलेट्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, which relates velocity of approach of colliding bodies before collision and velocity of separation and velocity of separation and velocity of separation velocity of separation of colliding bodies velocity of separation of colliding bodies after collision ठीक है। Yes, sir. लिखना कोएफिशिएंट ऑफ, इसी के नीचे लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो क्या होता है, ई होता है,
या एस नहीं होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इस टर्म के हेल्प से, ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है इसके हेल्प से उन्होंने क्या बताया कि तुम दूसरा इक्वेशन जनरेट कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दे करके फिर ये एक टर्म डिफाइन किया और इसके हेल्प से बोला कि तुम कोई भी कोलिजन का प्रॉब्लम हो अगर तुम्हें ये चीज पता है यू कैन कैलकुलेट। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि जब कोलिजन होता है ना तो दो चीजें होती हैं। जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, जब पार्टिकल कोलाइड करती हैं तो दो चीज होगा। एक पहला जो हाफ होता है, फर्स्ट जो हाफ होता है उसमें बॉडीज डिफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, मान लो दो बॉडीज है, ये जाकर के इससे टकराया, तो जाके जब टकराएगा ना तो क्या होगा, इनिशियल हाफ जो होगा कोलिजन पीरियड का, जो कोलिजन टाइम का इनिशियल हाफ होगा उसमें क्या होगा, दोनों बॉडी डिफॉर्म होगी। ठीक है, उसके बाद जो अदर हाफ होगा उसमें बॉडी क्या करती है, अपना शेप रिगेन करती है या अपने आप को रेस्टिट्यूट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अगर बॉडी ने अपने शेप को टोटली रिगेन कर लिया, ठीक है, जो भी डिफॉर्मेशन था टोटली रिगेन कर लिया, तो उस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो अलग आता है। अगर बॉडी ने अपने शेप को टोटली रिगेन नहीं करा उस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस आता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। क्लियर है? तो ये सारे जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा कि जो बॉडी कोलाइडिंग बॉडी है वो शेप चेंज, शेप उसके शेप में चेंज नहीं हुआ, कम चेंज हुआ, बहुत ज्यादा चेंज हुआ, ड्रास्टिक चेंज हुआ, बॉडी एक दूसरे से चिपक गया, उन सारे केसेस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके ये डिफाइन किया। जैसे ही ये उन्होंने डिफाइन करा हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया और दूसरे इक्वेशन मिलते ही अननोन जितने भी थे वो हमने पता कर लिया। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे जो चीज है समझेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता क्या है। पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, फिर सीधे फॉर्मूला में पुट करेंगे। ये जो बॉडी है ये U1 से चल रहा, ये जो बॉडी है ये U2 से चल रहा, और वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी देना जरूरी है। अब देखो ये दोनों कब टकराएंगे, जब ये इसको अप्रोच करेगा, क्योंकि टाइम के साथ देखोगे इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, घटते जाएगा, घटेगा घटेगा घटेगा, जाकर के कोलाइड हो जाएंगे। तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं, कोलिजन के पीरियड, पहले का जो पीरियड है उसको बोलते हैं या टाइम ऑफ अप्रोच, ठीक है, या ड्यूरेशन ऑफ अप्रोच। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, इसका इसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होता है दैट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी यहाँ पे पार्टिकल दोनों क्या करेंगे, दोनों बॉडीज जो है एक दूसरे को अप्रोच करती हैं, तो यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं वी अप्रोच, अप्रोचिंग वेलोसिटी, एंड दैट अप्रोचिंग वेलोसिटी इज यू वन माइनस यू टू। क्या है तुम्हारा, ये जो वी अप्रोच है ये कब डिफाइंड है, कोलिजन के पहले। अप्रोच क्यों बोलना है, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन टाइम के साथ रिड्यूस हो रहा है, और होगा कितना, वी अप्रोच विल बी यू वन वेक्टर माइनस यू टू वेक्टर। यहाँ यू वन माइनस यू टू क्यों लिख रहा है, क्योंकि यू वन ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन द यू टू। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर कोई नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरे सिचुएशन की, जो कि कोलिजन के बाद का सिनेरियो है, दिस बिकम्स योर वी वन और दूसरा जो बॉडी है उसके लिए हो जाता है ये वी टू। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखोगे तो वी टू विल बी ग्रेटर देन वी वन, दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा हो गया, ये चीज दिख रहा है साहब साहब? हाँ सर। अब तुम्हें क्या दिखेगा, वी वन और वी टू को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे दिखेगा वी टू इज ग्रेटर देन वी वन। अब ये दूर भागने लगा, ये स्पीड इतनी स्लो हो गई, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा, इसके बीच का डिस्टेंस दोनों के बीच का जो क्या होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन बोलते हैं, अब दोनों से सेपरेट होंगे। यहाँ पे आता है हमारे पास वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और ये होता है वी टू माइनस वी वन। ठीक है, अब वी टू माइनस वी वन क्यों लिख रहा है, समझो वी टू बड़ा है V1 छोटा है, यहाँ पे U2 माइनस E1 क्यों लिख रहे थे, U1 बड़ा है U2 छोटा है,
लिखने का तरीका समझ में आ गया, तो ये तुम्हारा वी सेपरेशन है एंड दिस इज योर वी अप्रोच. अब इसी का जो रेशियो है, दैट रेशियो इज व्हाट, इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो जस्ट इस डायग्राम के नीचे हम क्या लिखेंगे, सो so E is equal to V2 minus V1 divided by E1 minus E2. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. और ये क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ या न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कोलिजन. इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कोलिजन. बोलो, किसी को कंफ्यूजन है तो अभी बोल दो. नहीं सर. नहीं है. अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके बेसिस पे उन्होंने बताया, ये जो ई है ना, ये जीरो से वन के बीच में वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन. अलग अलग सिचुएशन के बेसिस पे उन्होंने देखा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उसके बेसिस पे उन्होंने दूसरा कंक्लूजन क्या दिया कि ये जो ई है, ये ई जीरो और वन के बीच में वैरी करता है. ठीक है, इसकी वैल्यू वन से ज्यादा नहीं होगी, जीरो से कम नहीं होगा. क्या होगा, ये वन से जीरो के बीच में होगा. किसी भी टाइप का कोलिजन ला लो, उसकी जो वैल्यू होगी ई के लिए वो जीरो से वन के बीच में होगी. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, कोफिशिएंट ऑफ, या ऐसे लिख सकते हो, ई लाइज बिटवीन. ये भी पूछता है कभी कभी कि ई कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है. देखो, साइन ऑफ इक्वलिटी है तो जीरो के बराबर भी हो सकता है, इधर भी साइन ऑफ इक्वलिटी है तो वन के बराबर भी हो सकता है, और उनके बीच में हो सकता है, जैसे जीरो, 0.1, मे बी 0.5, मे बी 0.9 या फिर 1, कुछ भी हो सकता है. इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, दैट इज पॉसिबल. समझ में आ गया. तो ये दोनों हम यूज कर सकते हैं. अब बात करेंगे जो भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप है उसकी. नेक्स्ट विल राइट इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन, अगर कोलिजन तुम्हारा इलास्टिक है, टाइम है ना, एक बार टाइम दे. हाँ ठीक है, इलास्टिक कोलिजन अगर है तो क्या हो रहा है, लिखना है इसमें. ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ कोलिजन During this type of collision, there is no loss of energy of the colliding system. In this case, coefficient of restitution, E is equal to 1. जब भी सवाल में तुम्हें क्या दिखे, लिखा हुआ है कौन सा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वन होगी. ठीक है ना, और ई वन मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. जिस वेलोसिटी से दोनों पार्टिकल्स
अप्रोच कर रही थी, कोलिजन के बाद उसी सेपरेशन से उसी वेलोसिटी से क्या होंगे ये सेपरेट भी करेंगे, ठीक है ना, अप्रोच वेलोसिटी सेपरेट वेलोसिटी सेम होगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो नहीं रहा है तो सिस्टम का पहले का एनर्जी और बाद का एनर्जी सेम रहेगा। तो या तो E = 1 यूज करके दूसरा इक्वेशन बना लो, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन से दूसरा इक्वेशन बना लो, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन भी वैलिड है, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा इलास्टिक कोलिजन है इसके लिए 3 लॉ यूज कर सकते हो, जो भी अननोन है उसको पता करने के लिए कौन कौन सा लॉ यूज कर सकते हो। सबसे पहला लॉ मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करो, वो तो अप्लाई करना ही है। दूसरा क्या है तुम्हारा, दूसरा तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम न्यूटन का जो लॉ है न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ है वो यूज कर लो जिससे E = 1 करोगे, और नहीं तो फिर तुम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा लो, पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी सेम है तो दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दोगे, वहां से भी एक इक्वेशन बन जाएगा और उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आ रही बात समझ में सर? बोलो क्लियर है, मैं लिख लो। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होगा और साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिवेशन 1 होगा, ये याद रखना है। पूछ देता है सवाल में डायरेक्टली, कभी कभी पूछ देता है कि इलास्टिक कोलिजन है उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिवेशन क्या होगा, एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस केस में ये एक तरीके से आइडियल सिचुएशन है, इलास्टिक कोलिजन तुम्हारा क्या है, आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि कोई भी कोलिजन अगर हुआ ना रियल लाइफ में देयर इज सम डिफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जरूर होगा, जो भी बॉडी कोलाइड कर रही है उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता है, हल्का फुल्का एनर्जी लॉस होता ही है। तो ये एक तरीके से जो इलास्टिक कोलिजन ये कौन सा सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन है, जहां पे हम मान के चलते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। सवाल में तुमको बोल देगा कि इलास्टिक कोलिजन मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, सिस्टम की पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी इक्वल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो लिख लो equations that can be used are, पहला वो तो यूज करेंगे ही मोमेंटम कंजर्वेशन, यहां से एक इक्वेशन आएगा, दूसरा इक्वेशन जो होगा या तो तुम न्यूटन्स लॉ ले लो, न्यूटन्स लॉ ले लो या फिर और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ले लो, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं लेना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ले लो। और डायरेक्टली एक सवाल करके हम समझेंगे क्या हो रहा है। अब कोई बच्चा ऐसे नहीं कर देगा कि सर मैं न्यूटन्स लॉ और ये दोनों लेंगे इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, कोई ऐसा दिमाग लगा दिया कि सर मैं क्या कर रहा हूँ ना कि न्यूटन्स लॉ का जो न्यूटन्स लॉ से जो आया वो यूज कर ले रहा हूँ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर ले रहा हूँ और वहां से सॉल्व कर लूंगा, नहीं, या तो न्यूटन्स लॉ यूज करो या फिर ये करो, ये तो फिक्स है, इसको यूज करना ही है, इसको नहीं हटा सकते। यस सर। चलो एक सवाल करते हैं जल्दी से, इलास्टिक कोलिजन पे लिखना, अ बॉल ऑफ मास 5 kg इज अप्रोचिंग अप्रोचिंग अनदर बॉल ऑफ मास 3 kg another ball of mass 3 kg as shown in figure find velocity of each balls after collision
या एक चीज और लग सकते हो, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, अगर ये चीज नहीं बता रहेगा फिर नहीं कर पाओगे। 5 kg, ये 3 kg था, इसका जो वेलोसिटी है लेट इट बी 6 meter per second। देखो मान लेंगे कि टकराने के बाद ये V1 से चलने लगा और दूसरा V2 से चलने लगा, ये मानना होता है। ये कितने से लगा, जो 5 kg है वो कितने से चला V1 से, जो 3 kg है वो कितने से चलना शुरू कर दिया V2 से। तो सॉल्यूशन में जो पहला स्टेप होगा वही होगा सर, 7 और 11 बोलो, 7 एंड 11, 7 और 11 ठीक है, देखते हैं और किसी को 11 एंड 7, 11 एंड 7, 5 kg का 7 और 3 kg का 11, यही आ रहा है ना? हां सर, हां सर, ठीक है। चलो तो पहला काम क्या होगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या लिख सकते हो, यहाँ का जो मोमेंटम है और यहाँ का जो मोमेंटम है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी 5 × 10 प्लस, डायरेक्शन सेम है तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, इतना समझ में अब आना चाहिए कि डायरेक्शन सेम है तो मैं क्या लिख रहा हूँ। देखो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर सेम है, तो अगर ये मोमेंटम प्लस है तो ये भी मोमेंटम क्या होगा, प्लस होगा और दोनों सिंपली एड हो जाएंगे, बराबर क्या होगा, ये होगा 5V1 प्लस 3V2, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन आया, ये एक इक्वेशन है तुम्हारे पास, तो इस इक्वेशन के साथ दिक्कत क्या है कि अब तुमको दो अननोन हो गए, ना तो V1 पता है ना तो V2 पता है, अब तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, तुम्हें जरूरत पड़ेगी दूसरे इक्वेशन की, और वो जो दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे तुम्हारे पास, हाँ दूसरा इक्वेशन यहाँ पे तुम्हारे पास फायदा है, यहाँ पे तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, उन दोनों में से कोई यूज कर सकते हो, इलास्टिक कोलिजन का ये फायदा है कि हम दोनों इक्वेशन में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो किसी ने इलास्टिक पार्ट के क्या करा, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो वो अगर सोच लेगा कि चलो मैं यूज कर लेता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब उसने क्या करा, फ्रॉम COE कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर लिखना चाहेगा तो एनर्जी जो है वो किस तरीके का है, काइनेटिक एनर्जी है, जो भी दोनों बॉडीज हमके पास किस टाइप की एनर्जी है, दोनों मोशन में है उनके पास जो एनर्जी होगा दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। अभी मैं जानबूझ करके न्यूटन्स वाला फॉर्मूला छोड़ रहा हूँ, तो जब भी कोलिजन इलास्टिक होगा ये चीजें कर सकते हो, किसका, सिस्टम का, मैं एक एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोलाइडिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, दोनों ब्लॉक का एक साथ पहले जो एनर्जी होगा वह एनर्जी कोलिजन के बाद भी होगा दोनों ब्लॉक का। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो इट विल बी 1/2 × 5 × 10² प्लस 1/2 × 3 × 6² बराबर किससे होगा, 1/2 × 5 × V1² प्लस 1/2 × 3 × V2² ठीक है, हाफ तो ऐसे ही चला जाएगा, इधर सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी 5V1² प्लस 3V2² यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 100 प्लस 36 × 3, ये तुमको दिखेगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा इक्वेशन टू हो सकता है, दिस कैन बी योर इक्वेशन टू, लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो यार यहाँ स्क्वायर है, या अगर देखोगे तो क्या है,
स्क्वायर है, इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। ये इक्वेशन में स्क्वायर नहीं है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर इन दोनों को तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ से जो इक्वेशन आ रहा है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। अब देखते हैं हमारा जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है, वो कहाँ से आएगा, और फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। अगर फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन से देखोगे तो हमें पता है क्या होता है कि वी टू माइनस वी वन बराबर यू वन माइनस यू टू ई के बराबर होता है, और वेक्टर साइन है तो यहाँ हम वेलोसिटी के डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे। देखो दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, वेक्टर लगा हुआ है, इस वेलोसिटी के ऊपर, इस वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। तो जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे ना तो हम प्रॉपर डायरेक्शन का ध्यान दे करके पुट करेंगे, ऐसा नहीं कि खाली मैग्नीट्यूड उठा करके रख दिया डायरेक्शन देखा ही नहीं, डायरेक्शन भी देखना जरूरी है। तो जो भी मैंने डायग्राम तुमको ड्रॉ करके दिखाया था, यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ करा था, यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ करा था, यहाँ पे और यहाँ पे डायग्राम जो ड्रॉ करा था, उनका सबका जो डायरेक्शन था वो किधर था, राइट की तरफ था। यानी अगर एक को पॉजिटिव लेते हो तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, है कि नहीं? यस सर। तो अगर यू वन को पॉजिटिव लिया तो यू टू भी पॉजिटिव हो गया, वी वन भी पॉजिटिव हो गया और वी टू भी पॉजिटिव हो गया। यानी जब वैल्यू पुट करोगे तो मैग्नीट्यूड अब सीधे पुट कर दो, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है, अगर सेम नहीं होता तो जिसका अलग होता उसके लिए माइनस पुट करते। वैसे भी सवाल हम करेंगे कि जब अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा होगा तब क्या होगा, तब कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, v2 मैग्नीट्यूड v1 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई u1 का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, 10 था, और u2 का मैग्नीट्यूड कितना था, 6। ये 1 के बराबर होगा। अब यहाँ से तुम्हें क्या दिखेगा, v2 माइनस v1 बराबर होगा 4k। दिस मे बी योर सेकेंड इक्वेशन, और इसको सॉल्व, इसको यूज करोगे, दो इक्वेशन दो अननोन, आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7 और 11, ठीक है? हाँ सर। नहीं आ रहा किसी कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। चलो चाहते मैं एक सवाल दे देता हूँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन था उस फिगर में मैं क्या कर रहा हूँ, फिगर में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। ये इधर जा रहा है 5 केजी का जो ब्लॉक है, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जो ब्लॉक है ये इधर आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड, दिस इज योर 3 केजी, बस इतना चेंज किया। अब दोनों एक दूसरे को माइनस पकड़ना पड़ेगा। हाँ, तो क्या करोगे, वही तुम्हारा होमवर्क है, अभी इस तरीके का सोचोगे, कोलिजन के बाद क्या हो रहा है उसकी वेलोसिटी निकालिए, पूरा क्वेश्चन सेम है, बस तुमको क्या कर दिया, जो फिगर है ना मैंने फिगर चेंज कर दिया, अब ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तुमको बताना है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सिर्फ माइनस लगा देंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, फिर वहां से v1 v2। अब देखो माइनस लगाने के बाद तो है, साथ ही साथ तुम्हारे पास दो चीज और है। अगर किसी ने मान लिया कि मान लो कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडी इधर मूव करने लगा, कोई ऐसे मान सकता है, या फिर कोई ऐसे मान सकता है कि मान लो कोलिजन के बाद दोनों इधर मूव करने लगा v2, या फिर कोई ऐसे भी मान सकता है कि ये इधर ही मूव करता रह जाए और ये इधर ही मूव करता रह जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि जो वेलोसिटी तुम मान रहे हो कोलिजन के बाद में, उसका डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना, तो तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है कि तुम कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर जो है अगर तुम सॉल्व करते हो नेगेटिव आ गया वेलोसिटी का वैल्यू, ठीक है। मान लो तुमने ये ऊपर वाला मान लिया, तुम्हारे हाथ में है, तुमने ये डायरेक्शन मान लिया, अब इसको सॉल्व करने के बाद जब तुमने देखा कि v1 की वैल्यू तो नेगेटिव आ गई या फिर v2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब डायरेक्शन उल्टा होगा, डायरेक्शन तुमने उल्टा लिया है, ठीक है ना। तो इसमें दिमाग मत लगाना कि किस पार्टिकल को हम किधर मूव करवाए, अपने मन से कहीं भी करवा दो, ठीक है ना। ये सब जो चीजें है ना, ये सेकेंडरी चीजें, इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करना होता है कि मैं किधर डायरेक्शन मानूं या किधर डायरेक्शन रखूं, नहीं रखना होता है, मैथमेटिक्स वो देख लेगा। तो इसका मान लो कि ये v1 से इधर चल रहा है कोलिजन के बाद, ये भी v2 से इधर चलने लगा, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब इन सबका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में रखेंगे, बस इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव में रखेंगे, और फिर कोफिशिएंट ऑफ रेसिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ ऊपर मोमेंटम का इक्वेशन है दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो वहां भी जब पुट करेंगे तो विथ साइन पुट करेंगे, सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद ग्रुप में आंसर डाल सकते हो, सॉल्यूशन डाल सकते हो, और नहीं तो कल जो भी क्लास होगा नेक्स्ट क्लास उसमें। सर,
डिस्कस करते हैं। हाँ बोलो सर, ग्रुप में एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था, वो सर एक बार डिस्कशन कर देना चाहिए। ग्राफ वाला क्वेश्चन था कोई? चलो देखते हैं। जिसको ग्राफ वाला समझ में आ गया वो जा सकता है, क्योंकि टाइम ऐसे हो सकता है, जिसका डाउट है वही रुकेगा, या जिसको जिसको वो समझ में नहीं है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बाकी सारा हो गया ना, बाकी सारा जो ग्रुप का क्वेश्चन है वो हो गया, बस ग्राफ वाले में ही दिक्कत है ना, और कोई में दिक्कत नहीं है। चलो मैं एक बार देख लूं क्वेश्चन। अच्छा एक ग्राफ दिया हुआ है फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ, फोर्स वर्सेस टाइम ही है ना। देखो कह रहा है कि ये तुम्हारा फोर्स लग रहा, फोर्स कुछ देर तक कांस्टेंट है। अब सबसे पहले तो ये समझो कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और ये ग्राफ ऊपर है और ये ग्राफ नीचे है, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन कुछ देर बाद चेंज हो गया। ये चीज समझ में आ रहा है तुमको? ये जो हाफ है ना, ये जो हाफ है इस टाइम में जो उस पर फोर्स अगर राइट की तरफ लग रहा है, तो दूसरे हाफ में जो फोर्स है वो किधर की तरफ लगने लगेगा? लेफ्ट की तरफ लगने लगेगा। समझ, ये चीज समझ में आया ग्राफ देख करके? हाँ सर। बोलो। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब ये बोल रहा है कि जो बॉडी है ना इस ड्यूरेशन में, ये जो फोर्स है ना इस पे लगने के चलते, ये जो फोर्स लगा रहे हो इसके चलते जो बॉडी का वेलोसिटी रह रहा है ना वो कॉन्स्टेंट रह रहा है। वेलोसिटी जो रह रहा है वो क्या रह रहा है? कॉन्स्टेंट रह रहा है। अब समझो क्या होगा, ये जो बॉडी है ये फोर्स तुम लगा रहे हो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट लगना है तो इधर से कुछ ये बॉडी फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तुम मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए तुम्हारे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा 10 न्यूटन का। आ रही बात समझ में? दूसरे केस में तुमने फोर्स का डायरेक्शन चेंज करा, तो इसका मतलब बॉडी ने भी अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। बॉडी ने भी फोर्स का दूसरे हाफ में उस बॉडी ने भी क्या करा है, अपने फोर्स का डायरेक्शन चेंज करा है, तभी जाकर के फिर दोनों बैलेंस हो जाएंगे, नेट फोर्स जीरो होगा और एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब जो भी प्रोफाइल दिया है तुमको वहां पे, जो भी जो मतलब वो जो एक ये जो चीज है ना, जो ऑप्शन तुमको दिया हुआ ना, दैट इज सरफेस। वो क्या है? सरफेस दिया हुआ है कि किस तरीके का सरफेस पे बॉडी मूव कर रहा है, इंक्लाइंड सरफेस है, प्लेन सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, या कैसा सरफेस है, वो तुमको दिया हुआ है। तो समझो किसी बच्चे ने आंसर सही बताया दिया है, ये जो सरफेस है समझना, इस सरफेस में इसको अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है तो तुम एक बार ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे, क्योंकि इस टाइम में mg sin थीटा किधर लग रहा होगा, इधर। तो इस फोर्स से लगा करके इसको बैलेंस करोगे। जब अदर हाफ में जाओगे तो अब ये जो mg sin थीटा इधर लगेगा, तो तुम्हें फोर्स का डायरेक्शन अब इधर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? हां सर। इधर और इधर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो उलट गया, और उसी के चलते ये ऊपर की तरफ दिख रहा है और ये नीचे की तरफ दिख रहा है। अब f कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि mg sin थीटा, अगर थीटा कांस्टेंट है तो ये f को कांस्टेंट रखना होगा, mg sin थीटा नीचे की तरफ। इसी को अगर बैलेंस कर दोगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए फोर्स तुमको कंटिन्यूअसली वैल्यू कांस्टेंट मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। तो कांस्टेंट मेंटेन करो, इधर भी सेम चीज है, इधर और इधर डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। आ गया समझ में? हाफ सर्किल के लिए थीटा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, वेरी गुड, ये जो सवाल पूछ रहा है वो बहुत बढ़िया चीज है। हाफ सर्किल के लिए अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा, यहाँ पर जो टेंजेंट होगा उसका एंगल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा इट विल बी mg sin थीटा 1, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा mg sin थीटा 2। तो अगर यहाँ पे बैलेंस करना चाहते हो तो यू नीड F1, यहाँ पे बैलेंस करना चाहते हो तो यू नीड F2। बिना डायरेक्शन चेंज किए अभी तुम्हारा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, क्या ग्राफ में ऐसा बोल रहा है? नहीं सर, नहीं कह रहा, नहीं, 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 सर। इसका मतलब जो थीटा है, जो इंक्लिनेशन है, दैट इज कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? और कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना, तो ये जो सवाल था ना, ये बाई ऑप्शन करना था। कैसे करना है? सवाल पढ़ो, बाई ऑप्शन करोगे हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बाई ऑप्शन करने होते हैं, क्योंकि बाई ऑप्शन वो कम टाइम लेगा, जो तुम अगर ऐसे ही मन से कुछ भी रैंडमली सोच रहे हो। समझ में आ गया? और कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है आज का क्लास? हाँ सर।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मॉड्यूल करते रहो, रिवाइज करते रहो, प्रॉपर रिवीजन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।